एक माचिस की तीली कैसे बना डालेगी बड़े बड़े बिगड़े काम, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैन ब्लास्टिंग, था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगो। अब सबसे पहली चीज ये है, समझने की भी तो कोशिश करो। बस जी तोते जैसे आऊं ये बोल दूं काई को, है कि नहीं, थोड़ा सा समझोगे नहीं, सीधी बात है। अब हमारे ब्रह्मांड में 7 ग्रह होते हैं, सीधी बात है कि नहीं। 7 ग्रह जो होते हैं वो अपनी गति से चल रहे हैं, गति से चल रहे हैं। 2 तो छाया ग्रह हो गए ना, राहु और केतु, सीधी बात है कि नहीं, जो कि चंद्रमा के नॉर्थ नोड और साउथ नोड है, सीधी बात। अब ये जो इसकी गति जो है, जिस गति से, जिस रफ्तार से ये चल रहे हैं, वो क्या है? वो राहु है। एक इंसान, ये एस्ट्रोलॉजी का रूल है, जिसका राहु पत्री में अच्छा उसका बुध भी अच्छा, जिसका बुध अच्छा उसका राहु भी अच्छा, जिसका बुध खराब उसका राहु भी खराब, सीधी बात है। ये तो एस्ट्रोलॉजी का एक थंब रूल है, सीधी बात है। तो अब अगर हमें पता है कि एक इंसान के, कहते हैं ना, कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, राहु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि एक इंसान को वो टॉप पे पहुंचाने का और एक इंसान को सड़क पे पहुंचाने का। क्योंकि राहु अगर नेगेटिव होएगा तो एक इंसान की भटकनी लगी रहेगी, भटकेगा भटकेगा भटकेगा, और उसके बाद ब्रूम, जैसे धुआं होता है, धुआं क्या है? राहु है, सीधी बात। तो अब मान लो अगर राहु है ना, अगर अलग अलग प्लेनेट के साथ है, चलो मान लो, है कि नहीं, राहु अगर मंगल के साथ है, उसको शारीरिक कष्ट आएंगे, उसके घर वालों को शारीरिक कष्ट आएंगे, या वो कहते हैं ना, एकदम से पैसा वेस्ट में चला गया, क्या, क्यों, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ बीमारियां, या भटकाव होएगा। राहु अगर चंद्रमा के साथ हो गया तो बुध तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया, क्योंकि उसकी बुद्धि जिस हिसाब से चलनी चाहिए वो चलेगी नहीं। राहु अगर शनि के साथ हो गया, बिना बात का, कहते ना, कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगी बात, हो सकता है उसमें उसकी कोई गलती ना हो, फिर भी कोर्ट कचहरी तक जाएगी, बीमारियों पे जाएगी। राहु अगर जुपिटर, सांस, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, राहु अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है या कंजंक्शन है, राहु मिलकर, ये ज्ञानी लोग उस इंसान को मिलेंगे नहीं, तभी उसका कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उसको स्टेबिलिटी लाइफ में मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाएगी, सीधी बात है कि नहीं। तो जब हमें पता है कि राहु इतना मेजर रोल प्ले करता है, तो क्यों ना हम अपने राहु को कहीं ना कहीं सेट कर दें। अगर तो क्या, लेकिन एक चीज है, हम इतनी चीजें तो वैसे बात कर रहे हैं, राहु जब सही होता है पाशालों को, वो जो आपने देखे बिग शॉट्स हु आर रूलिंग द वर्ल्ड, राहु उनकी पत्री में इज माइंड ब्लोइंग। राहु अगर पॉजिटिव होने पे आ जाए, एक इंसान अपनी दिमाग से, अपनी सोच से, ये हो सकता है कि वो बिल्कुल, कहते हैं ना, गांव में पैदा हुआ हो, लेकिन वो गांव से इतने बंगले शहर में बना देगा, ये करता है राहु। तो अगर एक इंसान के पत्री में राहु कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो क्यों ना हम इसका कुछ उपाय कर लें, सीधी बात है। पक्के उपाय बताऊंगी, जबरदस्त बताऊंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब पहली चीज तो यह है, क्योंकि राहु, अच्छा, राहु अगर शुक्र के साथ होगा तो क्या होगा? घर पे धुआंधार झगड़े कलेश की स्थिति, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कौन रिस्पॉन्सिबल है? छल है ना, छल कराता है, या तो सामने वाला छल करेगा हमारे साथ, या हम छल कर देंगे, सीधी बात है। तो राहु कहने का मतलब ये है, झगड़े कलेश की स्थिति, अचानक से एक्सीडेंट की स्थिति, अचानक से पैसे डूबने की स्थिति कौन उत्पन्न करता है? राहु उत्पन्न करता है। अब आप, आई एम श्योर, क्योंकि कितने लोगों के पास उनकी पत्री नहीं है, सिम्टम्स मैच करो, उपाय करो, बात खत्म हो गई। अब सबसे पहली चीज, जिनके अभी घर पे झगड़े कलेश की स्थिति बन रहे हैं, आपने एक माचिस ले लेनी है। जब भी पार्टनर को पानी पिला रहे हो, आप पानी पी रहे हो, क्योंकि राहु का काम क्या है? अटक डालना, अटक, काम में अटक डालना, जैसे भी करना। जब एक नियम बना लो, बेशक सुबह या शाम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक माचिस ले लो। माचिस कहाँ है? एक ये एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, है कि नहीं, पता चले फिर बोलो जी मैम ये तो पिन है। एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, माचिस रखनी अपने पास में, भूल गई पाशा लोगो। ये पानी का ग्लास है, 1 2 3 तीन बार क्रॉस मारो, क्रॉस मार के फिर पानी पीना है, एक सुबह एक शाम को। पहला उपाय ये हो गया। आप देखोगे आपके झगड़े स्थिति की, जो झगड़े कलेश की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं
कम होती चली जाएगी। और अब आते हैं पक्के उपाय पे, एकदम जिसको कहते हैं ना जो जिंदगी पलटने वाले काम करे पाशा लोगों, अब मैं वो बताने जा रही हूं। 200 ग्राम जौ ले लो, 43 डेज तक लगातार करना है। एक बार में चीज अगर सुधरती होती तो पाशा लोगों बात ही क्या थी, ऐसे चमकती नहीं किस्मत, सीधी बात। अब आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज ये है, 200 ग्राम जौ या 500 ग्राम जौ ले लो, गौ मूत्र के साथ उसको धोकर उसको प्रवाहित करना है। क्या समझे, 200 ग्राम जौ 500 ग्राम जौ को गौ मूत्र के साथ धोकर 43 डेज तक रोज प्रवाहित करना है। बात बनेगी, बात बनेगी। राहु का इफेक्ट टूट जाएगा, कट जाएगा, लिख के ले लो बात। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, दूसरे उपाय पे मैं आती हूं, बड़ा अद्भुत उपाय है, करके देखना पाशा लोगों। आपने क्या करना है, सीधी बात, वो क्या कहते हैं, आपका बेड होता है जो गद्दा होता है, गद्दे पे ना चद्दर एक बिछा लेना, रेती होती है ना रेती, 43 डेज तक उस रेती वाले गद्दे पे सोना है। रेती वाली, ये राहु का जो इफेक्ट है जो एक इंसान को पनपने नहीं देता। अच्छा, राहु एक इंसान को चुट्टा बनाता है, चुट्टा होता है, चुट्टा बोले तो चोरी चकारी, आपको शक्ल से लगेगा नहीं यार इतना ऐसा करके वो फोन, मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे पहले जिम से ना, हमारे फोन चोरी हो जाते थे, आप उनको उनकी शक्लें देखोगे तो आप बोल नहीं सकते कि वो चोरी करने वाली होंगे। ये राहु का एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, राहु वाले लोगों में इतना ईगो रहेगा, लेकिन वही ईगो उनको कहीं नहीं लेके जाएगा। एक टाइम पे हो सकता है दूसरे ग्रह ने उनको राजा बना दिया। राहु जब हिट करने पे आता ना, बहुत बुरा हिट करता है, सीधी बात है। वाले एक चद्दर बिछाओ गद्दे पे, तो एक चद्दर बिछा लो, उस पे रेती बनाकर 43 डेज तक सोना है अपना। अब एक और चीज बता देती हूँ, राहु शनि की युति, राहु अच्छा शनि और केतु की भी जो युति होती है वो कोर्ट कचहरी तक बहुत ज्यादा पहुंचाती है। राहु शनि का एस्पेक्ट भी अगर होएगा, बीमारियां बहुत ज्यादा बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, और घर पे भी बड़ा झगड़े क्लेश की स्थिति एकदम, कहते ना सब लुट पुट जाता है, सीधी बात है, जब ये कंजंक्शन होता है। लेकिन एक बात फिर बोलूंगी, मेरी जो स्टडी है वो थोड़ी अलग है, अगर उसमें 6-12 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो उतना वो खराबी करेगा नहीं, ये भी बात हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं जो भी। अब ये अगर आपको पता है कि घर पे झगड़े क्लेश की स्थिति, काम नहीं बन पा रहा, कुछ नहीं हो रहा, बीमारियां भी घर पे इतना, पैसा इधर उधर जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, भटका, एक तो दो उपाय, तीन उपाय, एक तो माचिस से कट कट करके पानी पीना है आपने, ये आप बात ध्यान रखना और देखना झगड़े क्लेश की स्थिति, राहु पट करके कटेगा। अब एक और चीज बता देती हूँ, अपने वेट के बराबर 10वां हिस्सा जो उसका होता है कोयले का, उसको प्रवाहित करना है महीने में एक बार। शनिवार पकड़ लो, बुधवार पकड़ लो, आप देख लो, मंडे भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोयले को अपने वेट के बराबर 10वें हिस्से को आपने इसको प्रवाहित करना है। और ये उपाय गलत नहीं है, क्योंकि जब आप कोयला पानी में डालते हैं वो जितनी भी उसकी जो वो होता है नेगेटिव, उसको चीज को सोख कर प्योरिफाई करता है वाटर को। तो आई एम नॉट टेलिंग एनी थिंग विच कैन हार्म द रिवर्स और लेक और वॉट सो एवर इट इज। ये जो चीज है, ये जितने उपाय बताए गुरप्रीत जी, यस्टरडे यू मैसेज मी यू वॉन्ट दिस जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त उपाय इट इज फॉर यू, आई लव यू, ये करो पाशा लोगो। मैं क्या कह रही, आपका काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, पाखंड के दुकानों से बस बच के रहो रे, गुरु चंडाल दोष है। अरे ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जिनका गुरु चंडाल योग है, मेरा भी गुरु चंडाल योग है, क्या हो गया, क्या करे, उपाय कर रहे हैं, बेड़ा पार हो रहा है, क्या दिक्कत वाली बात है, सीधी सी बात। ये इनको शॉर्टकट मनी मत देने का पाशा लोगों, काई को कुछ नहीं, इतने पक्के उपाय अब तो आपको पता चल ही रहा होगा, दे धनादन, ऐसे ऐसे जबरदस्त उपाय बता रही हूँ, बस डरना नहीं, क्योंकि हमारे स्पेशल पंडित इधर पूजा करेंगे। हालांकि मेरी मम्मी और भाई को दोनों ही नहीं पसंद, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा। करो ये सारी चीजें करो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मैग्निफाइड हीलिंग की जो क्लास है वो 21 मार्च के आसपास है,
रजिस्ट्रेशन, वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, वास्तु कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप करना पाशालो। कोविड फैला हुआ है, मेरे पास लोग अभी है नहीं कि वो फोन उठा पाए, बिकॉज एक्चुअली समझा करो है कि नहीं, व्हाट्सएप कर देना या नॉर्मल मैसेज कर देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो। लाइक क्यों नहीं यार, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, फ्री फंड में ऐसे नहीं देखते, एक एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है पाशालो को, ठीक है ना। और लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।